क्रोध पता नहीं क्यों किस बात से प्रशासन अवरोध पैदा कर रहा है, और प्रशासन क्यों डर रहा है या क्या क्या बात प्रशासन के दिमाग में है। हमारी तरफ से 13 तारीख में परमिशन की अप्लाई की गई और 13 मंडी सचिव से रसीद कटवा ली गई 5100 रुपये की। उसके बाद सीओ और इंस्पेक्टर ने कानून व्यवस्था जो परमिशन देते हैं वो भी उन्होंने भी परमिशन दे दी। उसके बाद एसडीएम से परमिशन मिलनी थी रात, मतलब 2 दिन पहले वो बना कर दी गई, और वो कहने लगे कि उनको ये स्थान नहीं और स्थान चेंज कर लो। तो अगर ये हमें 4 दिन पहले स्थान चेंज करने को कहते, जिस दिन हमने अप्लाई करी थी हम स्थान चेंज कर लेते, हमें कोई अटधर्मी थोड़ा ही है मंडी में करने की। हमें तो मीटिंग करनी थी, अपने नेता को बुलाना था, धन्यवाद लोगों को, तो लोगों का धन्यवाद अदा करना था, भाईचारा स्थापित करना था। अच्छा, जैसे कि परमिशन कैंसिल होगी तो अब कल का क्या रहेगा? कल का कार्यक्रम ये रहेगा हमारा, हमारे नेता का प्रोग्राम है कि हम इतने कम समय में स्थान नहीं बदल सकते, तो रैली अगर करेंगे तो उसी जगह करेंगे। और उसमें जैसा मान लिया मंडी की बात आई थी कि गुड़ बीमारी को दिक्कत है, उसमें कल कोई संडे भी है, इतवार भी है, उसमें तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए प्रशासन को। प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, जो रोकने का प्रयास करेगा तो वो रोकेंगे, हम जाने का प्रयास करेंगे। तो प्रशासन और सरकार के सामने तो आदमी को डंडे खाएगा, गोली खाएगा, धक्का मुक्की खाएगा, तो अगर यही उनको उचित है तो उसके लिए हम तैयार हैं। टकराव की आशंका है? टकराव की आशंका हमारी तरफ से तो है नहीं, ना हमारी तरफ से टकराव की आशंका, ना टकराव चाहते। हाँ, पहले उनके काफिले को रोका गया, और लेकिन काफिले को रोका था, हमने बात करी कप्तान साहब से, कप्तान साहब ने कुछ शर्तों पे, जिससे वो डर रहे थे, कि काफिला बड़ा होगा, फला होगा, डिगड़ा होगा, हमने उनसे वादा किया कि काफिला बड़ा नहीं होगा, और उन्होंने उसी दिन परमिशन दे दी थी। तो अब रैली पर रोक लगा दी। मैं तो परमेश्वर से चाहता हूँ कि हमारे डीएम साहब को सद्बुद्धि दे और वो इसकी परमिशन करावे, और परमिशन करा के कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम लोगों को तो शांतिपूर्वक रैली करनी है।